हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा जी बीच में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आया है बात करने के लिए बिल्कुल देसी तरीके से, जो नहीं तो कर कर बोल रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसके देख लेते हैं हमें कितनी चीजों की आवश्यकता होती है। सब्सक्राइब कीजिए बीजी किचन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम करेले कट करेंगे, तो हम इसका साइड जो है निकाल देंगे, दोनों साइड निकाल देंगे इस तरीके से, और इसको हम इसमें डाल देंगे, और इस तरीके से हम करेले को छीलेंगे। करेले को जो है पीलर से नहीं छीलना है, इस तरीके चाकू से छीलना है। ऊपर वाला छिलका जो है इसको फेंकना नहीं है, ये करेले के अंदर जो है भर जाएगा। तो हमने ये छिलका निकाल लिया है, इसको साइड कर देंगे और हम इसको कट करेंगे। देखिए हमने करेले को कट कर लिया है, अब इसको हम उंगली की मदद से इसको निकाल लेंगे, इस तरीके से इसके बीच निकाल लेंगे। देखिए हमने बीज निकाल लिया है इसके, अब हम नमक लेंगे। ये नमक जो है ये छिलका लिया है करेले का छिलका जो ऊपर का, इसमें भी थोड़ा नमक मिक्स कर देंगे, और अंदर के बीज है उसमें भी नमक मिक्स कर देंगे। और अब हम करेले के ऊपर नमक लगाएंगे इस तरीके से, और इसको थोड़ी सी घिसेंगे, जिससे क्या होगा ऐसे करने से करेले जो है बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इस तरीके से अंदर भी घिस लेंगे और बाहर भी, और कट करने के बाद नमक लगाने के बाद धूप में रखेंगे, जिससे क्या होगा हमारे करेलों में से कड़वापन जो है धूप में उड़ जाएगा, हमारे करेले जो है कड़वे नहीं बनेंगे। देखिए दोस्तों, करेले जो हमने अच्छे से धूप में सुखाने के बाद अच्छे से हमने धो लिए हैं, इनको भी धो लिया हमने, बीज और छिलकों को भी धो लिया है, करेले भी अच्छे से धो लिए हैं। अब हम जो है कढ़ाई में उबालने रखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है छिलकों और बीज को डाल देंगे, और अब हम जो है करेले भी रख देंगे इसमें। अब हम जो है इसके ऊपर से डाल देंगे प्याज, इस तरीके से, और अब हम डाल देंगे हम इसमें एक गिलास पानी। हम इसको अच्छे से मिला देंगे, और अब हम डालेंगे इसमें एक चम्मच नमक। एक चम्मच नमक डाल दिया है, और अब जो हमने साबुत आम लिया था वो डाल देंगे, जो कट साबुत आम लिया था हमने काट के छोटा सा, वो डाल देंगे। अब इसको हम जो है इस तरीके से, अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब हम इसको जो है ढक देंगे। तो कचली हम इस तरीके से रख देंगे, और इसको हम थाली को जो इस तरीके से ढक। देखिए दोस्तों, 15-20 मिनट के बाद हमने करेले जो है निकाल लिए हैं, और देखिए इस तरीके के हो गए हैं, ज़्यादा गले नहीं चाहिए और हल्का सा, देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से हमारे करेले हो गए हैं, गल गए हैं अच्छे से, और हमारी स्टफिंग जो है ये भी अच्छे से हो गई है, और हमने निकाल के अच्छे से और उसको निचोड़ लिया है। देखिए दोस्तों, हमारा ऑयल जो है गर्म हो चुका है, ऑयल को हमने 2 मिनट पहले ही गर्म करने रख दिया था, तो अब इसमें डाल देंगे हम जीरा। अब जीरे को थोड़ा चटकने देंगे, और अब इसमें डाल देंगे हम घी, और हल्दी पाउडर लिया था हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। अब इसको थोड़ा भूनने देंगे, और अब इसमें डालेंगे हम सॉल्ट पाउडर और ड्राई पाउडर, और लाल मिर्च भी डाल देंगे, और अब इसको हम घुमा देंगे, और अब हम इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम गैस पे। देखिए 1 मिनट जो है हो चुकी है, अब इसमें डालेंगे हम जो हमने कच्चा आम लिया था पिसा हुआ, वो डाल देंगे इसमें, अब इसको पकाएंगे थोड़ी देर 1-2 घंटे के लिए। देखिए हमने मसाले को पका लिया है, अब हम डालेंगे
जो हमारी करेले की स्टफिंग जो है अब वो इसमें डाल देंगे और इसको हम घुमा देंगे अच्छे से। अब इसको जो है 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है मसाले को, क्योंकि टेस्ट जो है मसाले का ही होता है। अगर मसाला अच्छे से बन जाएगा, स्टफिंग जो अच्छे से बन जाएगी, तो हमारे करेले में अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास कच्चा आम नहीं है तो आप इसमें आमचूर भी डाल सकते हैं, आमचूर या नींबू, ये ऑप्शनल है। अब इसमें डाल लेंगे आप नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। और अब हमारी जो स्टफिंग जो है तैयार हो गई है, अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम जो है गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए दोस्तों, हमने स्टफिंग जो कढ़ाई से निकाली थी, स्टफिंग ठंडी हो गई है। अब हम जो है करेलों को भर लेते हैं चम्मच की मदद से। इस तरीके से हम स्टफिंग भर लेंगे करेलों के अंदर इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हम उंगली की मदद से इसको प्रेस कर दबा देंगे इस तरीके से। और इस तरीके से हम सारे करेले भर के तैयार कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने सारे करेले जो है स्टफिंग भर के तैयार कर लिए। अब हम जो है इसको सारे करेलों को धागे से बांध देंगे, जिससे कि ये हमने वाइट धागा ले लिया है, ये हम इस तरीके से धागे से बांध देंगे। इससे होता क्या है, जब हम करेले फ्राई करते हैं ऑयल में, तो हमारी स्टफिंग जो है करेले से बाहर नहीं आती है और हमारे करेले एकदम अच्छे बनते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं। देखिए इस तरीके से हमने बांध दिया है और अब को देखिए इस तरीके से बांध दिया है हमने। और इस तरीके से हम सारे करेलों को बांध के तैयार कर देंगे। चलिए दोस्तों, अब हम जो है करेलों को फ्राई करेंगे, तो उसके लिए हमने तेल को पका लिया है अच्छे से। देखिए हमारा तेल जो अच्छे से पक चुका है। अब हम जो है इसमें करेलों को छोड़ देंगे एक ही करके, आराम से छोड़ना है, वरना तेल बहुत गर्म है, जलने का डर है, इसलिए आराम से एक ही करके छोड़ना है। करेलों को जो हम घुमाते ही रहेंगे इधर तक फ्राई करेंगे, अब तक ढककर नहीं पकाना है इन्हें। हमारे करेले जो है हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। और अब इसमें जो हम थोड़ा सा डाल देंगे हल्का सा ऊपर से नमक, जिससे कि ऊपर से भी टेस्ट रहे और कड़वापन भी ना लगे हमें। इस तरीके से हमारे करेले जो है पक चुके हैं, तो हम इनको जो है निकाल लेते हैं एक एक करके। इस तरीके से निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए दोस्तों, हमारे सारे करेले जो है बनके तैयार हो गए हैं। और आपने देखा कि हमने कितनी अच्छे तरीके से करेले बनाए हैं, वो भी देसी तरीके से करेले बना के दिखाया आपको। तो दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।